एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा ब्लॉग वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस ब्लॉग वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल से मेंबर से मिलवाने वाली हूँ, जो कि मेरी फैमिली में अभी अभी शामिल हुआ है। और आई नो आपको उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और वो आज सुबह ही मेरे पास आई है। और तो चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए मिलवा देती हूँ आपको मेरे इस न्यू फैमिली मेंबर से। आई होप आपको पसंद आएगी, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे फैमिली में नया नया मेंबर कौन आया है, प्यारी सी पपी। और ये बहुत ही छोटी, बहुत ही क्यूट है, जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी सी है। और आज मॉर्निंग में ये मेरे पास आई है और अभी ये बैठी हुई है फर्श पे। इसको मे भी यहाँ पे ठंडक लग रही है, अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इन्हें भी तो कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे इन्हें अच्छा फील हो, ठंडक लगे। तो ये शायद इसलिए इस तरह से यहाँ पे लेटी हुई है। और बहुत ही चुप चुप सी है, बहुत ही शांत है, और बस अभी तो ऐसी लेटी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। और मे भी हो सकता है इसको भूख भी लगी होगी, तो शायद इसलिए इतनी शांत है। और हो सकता है नई जगह है इसलिए शांत है, क्योंकि जब भी हम कोई नई जगह पे जाते हैं तो हो जाता है, अजीब लगता है थोड़ा। और ये फर्श को इस तरह से चाटने में लगी हुई है, लगता है मेरा आधा काम यही कर देगी फर्श को चाट चाट कर, मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चाट चाट के ही साफ़ कर देगी। यहाँ पे अभी सो गई है, और सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है, बहुत ज़्यादा सोती है ये, सही में बहुत ही प्यारी लग रही है सोते हुए। आई होप आपको ये नया फैमिली मेंबर पसंद आया होगा। और अभी ये बहुत ही ज़्यादा सोती है, पता नहीं जब से आई है तब से सोने में ही लगी हुई है। थोड़ा बहुत मेरे पीछे पीछे घूम लेती है, पूरे घर में घूम लेती है, फिर उसके बाद सोने के लिए चली जाती है। मे भी हो सकता है इसके लिए नई जगह हो तो उसको अजीब लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गई। और होता है ना, पहली बार कहीं जाते हैं तो अजीब लगता है, और तो उसके साथ भी हो रहा होगा। और अभी वो फिर सो गई, अभी जब मैं आपको उसके पास लेके गई मेरे पीछे पीछे गोल 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 करके चक्कर लगा रही थी, और फिर जाके सो गई। बहुत ज़्यादा सोती है और अभी बहुत छोटी भी है ना, तो शायद इसलिए उसको इतनी नींद आती होगी। और अभी मैं आपको बताऊँ तो वो सिर्फ 25 दिन की ही है। जी हाँ फ्रेंड, ज़्यादा दिन की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन की है, और बहुत ही छोटी है। मे भी आपको कैमरे में देखने में लग रहा होगा कि थोड़ी बड़ी होगी, बट इसका जो साइज़ है सिर्फ इतना सा ही है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही क्यूट सी है। और मैं आपको बताऊं तो मेरा खुद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा किसी एनिमल के साथ, कोई भी एनिमल नहीं पाला है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। और उसमें भी ये बहुत ही छोटी सी पपी है, बहुत ही क्यूट सी है। और अभी तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसका नाम तक नहीं रखा, क्योंकि ये मॉर्निंग में ही मेरे पास आई है और अभी बच रहे हैं 2:00 PM, और अभी तक मैंने इसका नाम नहीं सोचा। और मैं इसका नाम ऐसे जल्दबाजी में नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका जो नाम है बहुत ज़्यादा स्वीट और सिंपल हो, और ताकि वो जो नाम है लेने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगे और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हो। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका नाम क्या रखूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि मैं इसका नाम क्या रखूँ। अभी तो क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं रखा, तो इसे मैं बाबू, पुच्चू कुछ भी कह के बुला रही हूँ, क्योंकि अभी तक कोई नाम ही नहीं रखा। बट नाम रखना तो ज़रूरी है ना, नहीं तो मैं उसको क्या कह के बुलाऊँगी। और बहुत ही प्यारी सी है, बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही क्यूट सी है। और अभी से आपको ये मेरे ब्लॉग वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगी, तो आई होप आपको भी पसंद आ रही होगी।
तो अब जाकर ये थोड़ी सी एक्टिव हुई है और आप देख सकते हैं पूरे घर में ये घूमेगी, इस तरह से राउंड लगाएगी, और फिर जब ये 4-5 राउंड इसका हो जाता है पूरे रूम में, फिर वापस थक जाती है। आए आए बच्चा आए। तो इसी तरह से ये राउंड लगा लगा के घूमती है, खेलती है, फिर वापस से जाके सो जाती है। अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है तो बहुत जल्दी थक भी जाती होगी, और इसी तरह से खेलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इससे और अच्छी अच्छी ब्लॉग वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।